बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। अब बिहार के बच्चों को आईएएस बनना, यूपीएससी की तैयारी करना आसान हो गया है, क्योंकि दिल्ली में भुवनेश्वर में पढ़ाने वाले दीपक प्रकाश अब पटना में लौट आए हैं। पटना में उनकी जो है नए ब्रांच की शुरुआत हो रही है, जिन्हें आप पहले कभी यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर या फिर अन्य प्लेटफॉर्मों पर देखते थे, वो दीपक प्रकाश अब पटना के बच्चों को यूपीएससी की तैयारी कराएंगे, आईएएस बनाएंगे। बिहार के छात्र छात्राओं को आईएएस आईपीएस बनाने की मुहिम में जुटेंगे। हम जानने का प्रयास करते हैं कि दीपक प्रकाश पटना में क्या लेकर आ रहे हैं और पटना के बच्चे, बिहार के बच्चे कैसे यूपीएससी में सफल होंगे। दीपक जी, स्वागत है आपका। बड़े बड़े संस्थानों में काम करने के बाद अपना खुद का बिहार लौटने का फैसला जी कैसे लिया आप? इतना मुश्किल भरा हुआ ये फैसला हो सकता है, क्योंकि बिहार में आईपीएस बनने की, आईएएस बनने की कोई कोचिंग खुलेगी या फिर मतलब प्रॉपर पढ़ाई होगा, ऐसा बहुत मुश्किल लगता है। नहीं, ऐसा यूपीएससी और बीपीएससी प्रिपरेशन के दौरान, उस प्रिपरेशन के दौरान ही मुझे ये पता चल गया था कि पटना में थोड़ा गाइडेंस की कमी है, क्योंकि मैं खुद भी पटना में ही रहकर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करना चाहता था, पर यहाँ स्पेशलाइज कोचिंग नहीं थी। तो ये 2016 से मेरे दिमाग में खटक रहा था कि अगर ऐसा संभव हो सका तो कभी अगर मुझे मौका मिले तो मैं बिहार में वो सारी फैसिलिटीज बच्चों को अवेलेबल करा पाऊँ जो दिल्ली में एक बच्चा जब यहाँ से पलायन करके जाता है तो उसे मिलता है। तो यही सोचकर मैंने अभी सितंबर में, जहाँ मैं दिल्ली में पढ़ाता था एस्पायर आईएएस और ACQIS भुवनेश्वर, दोनों जगह से रेजिग्नेशन दे दिया ताकि मैं पटना में अपना इंस्टीट्यूशन खोल सकूं और बिहार के बच्चों को जो आईएएस आईपीएस बनने का जो सपना होता है, उस सपने को पंख लगाने का के लिए जो भी मैं कर सकता हूं वो करूं। सर, 5 सितंबर का दिन था, मुझे ठीक से याद है, आपके एक वीडियो हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा था, उसमें छात्रों का जो है अपार समर्थन या फिर मतलब छात्र जो है एक अलग तरह से शिक्षक दिवस को सेलिब्रेट कर रहे थे। उसके जस्ट बाद इतना बड़ा फैसला कि आप जो है भुवनेश्वर छोड़िए, दिल्ली छोड़िए और पटना लौटने का, ये कितना मुश्किल लगता है आपको? बिल्कुल ये मुश्किल डिसीजन था, क्योंकि वो बच्चे जो थे वो काफ़ी इमोशनली भी अटैच थे मुझसे, और क्योंकि मैं भुवनेश्वर जब पढ़ाता था उन बच्चों में भी काफ़ी सारा पोटेंशियल था। अगर आप वो वीडियो, आपने भी देखा होगा, आप देख सकते हैं यूपीएससी विद दीपक प्रकाश चैनल पर, तो आप देखेंगे वो बच्चे। जब मैं वहाँ से लौटने का जब मेरा फैसला हुआ 17 सितंबर को, तो घटना वहाँ पर की जो थी वो कुछ हृदय विदारक थी, बच्चे रो रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली एक दिन तो आपको हार्ड डिसीजन लाइफ में लेने होते हैं। मैंने भी वो डिसीजन लिया, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा पर्पस यही था कि मैं बिहार के बच्चों को कुछ डिफरेंट प्रोवाइड कराऊं, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराऊं जिससे कि क्वालिटी टीचर उन्हें यहाँ बिहार में मिल सके। दीपक जी, आप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे थे, गोल्ड मेडलिस्ट रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उसके बाद जो है हर कोई सोचता है कि हम कहीं बड़े शहर में रहें, अमेरिका में आपने पढ़ाई किया, उसके बाद पटना लौटना और पटना के बच्चों को पढ़ाने का सपना देखना, ये मुख्य वजह क्या है, क्यों पटना लौटना चाहते हैं? आखिर लोग जानना चाहेंगे, आखिर अमेरिका में आपको जगह मिल गया, दिल्ली में जगह मिल गया, तो फिर क्यों पटना लौटना चाहते हैं? कहीं वहाँ से हम सक्सेस होकर तो नहीं लौट रहे हैं और बिहार के बच्चों को बेवकूफ़ बनाएंगे, मतलब पढ़ाई के नाम पे जो है बाकी सारे जगह पे होते रहता है। इट्स ऑल अबाउट द रूट्स। अभी किसी ने आपको पानी दिया तब आप वृक्ष बनते हो, और एक समय आता है कि वृक्ष फल देकर वापस उस धरती को लौटाता है। सेम बात मेरे साथ है, मैं इस बिहार की धरती पर पला बढ़ा हूँ, यहाँ का बेटा हूँ, यहाँ से बाहर इसलिए गया क्योंकि यहाँ सुविधाएँ वो नहीं थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा यूनिवर्सिटी हमारे बिहार में नहीं है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, स्कॉलरशिप मिला, GRE में मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, तो स्कॉलरशिप मिला, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियानापोलिस USA में भी गया, लेकिन अंदर से एक दिली इच्छा थी कि मुझे बाहर क्यों जाना पड़ रहा है, क्यों ना ऐसा कुछ समाज में ऐसा सिस्टम लाएं, एजुकेशनल रिफॉर्म लाऊं, ताकि वही फैसिलिटी मैं बिहार में जो बच्चे यहाँ रह रहे हैं, चाहे वो आर्थिक वजह से रह रहे हों या कुछ और कारणों से रह रहे हों, उनको वही फैसिलिटी मैं बिहार में प्रोवाइड कराऊं। और बस यही वजह था कि मैंने डिसाइड किया कि मैं बिहार वापस आऊँगा। अच्छा, आप पटना में आ रहे हैं, पटना में आपकी इंस्टीट्यूट का एड्रेस क्या होगा, कब से जो है इसकी शुरुआत हो रही है? पटना में इंस्टीट्यूट का नाम है MNRIS, ये डेडिकेटेड है, मैं अपने मदर फादर के नाम पर इसको रखा हूँ, M इज फॉर मनोज एंड R इज फॉर रीना, तो ये मेरे मदर एंड फादर को डेडिकेटेड है। ये इंस्टीट्यूट का एड्रेस है 302 आसियाना मैजेस्टिक बोरिंग रोड पटना, और
ये इंस्टीट्यूट जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा करीब 10 दिसंबर से, और क्लासेज जो है ऑप्शनल की पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की वहाँ 27 जनवरी से शुरू हो जाएंगी। ये क्लास जो होगा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, किस फॉर्मेट में क्लास चलेंगे आप कह रहे हैं? क्योंकि स्मार्ट वी आर लिविंग इन अ टाइम, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का टाइम में रह रहे हैं, डिजिटल टाइम है, बच्चे लोग भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हैं, तो हम लोग भी स्मार्ट क्लासरूम रख रहे हैं, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फैसिलिटीज होंगी, लेकिन देखना है कि ऑनलाइन कितने बच्चों की डिमांड आती है, अगर डिमांड बढ़ेगी तो हम लोग ऑनलाइन भी एक्सेसिबल होंगे, लेकिन अभी ऑफलाइन बच्चों को ही ऑनलाइन तरीके से पढ़ाया जाएगा। दीपक जी आप बता रहे थे कि हम जो है बच्चों से मिलने का काम कर रहे हैं, अभी इंस्टीट्यूट शुरू होने से पहले किन किन शहरों में जाना है, कहाँ कहाँ जाना है, कैसे बच्चों से मिलना है, क्या कुछ प्रोग्राम बनाए हैं जहाँ किसी अलग अलग शहरों के बच्चों से मिलने के लिए? जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट सेमिनार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा मिसकंसेप्शन है इस UPSC और BPSC के बारे में, बहुत सारे बच्चे, मैं एक बच्चे का नाम लेता हूँ जिससे मैं मिला, वो मुझे ये बस बोला कि सर मैं UPSC और BPSC तब ना करूँ जब मैं किसी एलीट फैमिली से बिलोंग करता रहूँगा, मैं जिस फैमिली जिस बैकग्राउंड सोशल बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे लिए UPSC और BPSC करना एक सपने जैसा है, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ये मिसकंसेप्शन मैं लोगों का दूर करना चाहता हूँ, बच्चों का दूर करना चाहता हूँ कि यू डू नॉट नीड टू बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टू बिकम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एवरी ऑर्डिनरी एस्पिरेंट, एवरी हर एक ऑर्डिनरी बच्चा जो है उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी बनाने की बिल्कुल क्षमता है, और इसी विजन के साथ मैं बिहार में करीब अभी पहला फेज में 15 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रहा हूँ, जैसे जहानाबाद, गया, सासाराम, नवादा, आरा, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, अभी शुरू में यहाँ तक का 10 दिसंबर तक का प्रोग्राम है, हर डिस्ट्रिक्ट में मैं सेमिनार ऑर्गेनाइज करूँगा, वहाँ बच्चों के से जाकर मैं मिलूंगा। विशेष तौर पर हमारे पास जो भी हमारे व्यूअर हैं जहानाबाद, गया से जुड़े हुए हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर जहानाबाद में कब हो रहा है, क्या जगह है जहाँ आप सेमिनार करेंगे, गया जो स्टेट में हो रही है कौन सी जगह होगी जहाँ सेमिनार करेंगे जहाँ बच्चे आपसे मिल पाएंगे? जहानाबाद में 25 नवंबर को ही सेमिनार है, ये बालाजी रेस्ट हाउस कोर्ट एरिया जहानाबाद में ही अवस्थित है, और बेसिकली वहाँ होगा, और ये 11 बजे मॉर्निंग में 25 नवंबर को होगा। गया में 27 नवंबर को 11 बजे होटल रॉयल सूर्या जो कि सिविल लाइन्स थाने के बगल में अवस्थित है, वहाँ 11 बजे सुबह में होगा। दीपक जी आगे जो है आपका मुख्य फोकस क्या होगा? जैसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले IGS के नाम पे, उसके बाद BPSC शुरू हुआ, उसके बाद कंपटीशन में तब्दील हो गया, तो आपका मुख्य फोकस क्या होगा? क्या वहाँ BPSC की भी वैकेंसी, जैसे जिस तरीके से टीचर की वैकेंसी आई हुई है, SSC की वैकेंसी आई हुई है, तो क्या उन सब क्लास को भी आप साथ में लेके चलेंगे या फिर सिर्फ IAS बनने के लिए? मेरा प्राइमरी फोकस जो है, जो फोटे है, वो मैं सिविल सर्विसेज पर ही फोकस रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बिहार के बच्चे जो कि बाहर पलायन करते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए, UPSC, BPSC, UPPCS, उसकी तैयारी मैं यहाँ क्वालिटी तैयारी मैं कराऊं, और उनको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड हो, अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड हो, ताकि वो गाइडेंस की वजह से या अच्छा मटेरियल की कमी की वजह से उनका वो सपना अधूरा ना रहे। टीचर का टीम तैयार हो चुका है? हाँ बिल्कुल, टीचर का टीम तैयार हो चुका है, और जैसा मैंने बताया कि क्योंकि खुद मेरा स्पेशलाइजेशन है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिकल साइंस में, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपने कॉलेज का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ पॉलिटिकल साइंस में, और मैं इंटरनेशनल रिलेशंस से मास्टर्स किया हूँ, तो मैं खुद ही PSIR वहाँ ऑप्शनल पढ़ाऊंगा, GS2 पढ़ाऊंगा, GS1, 3 और 4 के लिए बाहर से टीचर आ रहे हैं, और फ्लाइंग फ्लाई आउट बेसिस पे उनकी क्लासेस होंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आप जो है दीपक प्रकाश को सुन रहे थे जिन्हें आप कभी जो है बच्चों को पढ़ाते हुए देखते थे, और जिस तरीके से दीपक प्रकाश ने यह निर्णय लिया है कि हम जो है बिहार के रहने वाले हैं और पटना में अब IAS बनाएंगे, UPSC की तैयारी कराएंगे, वाकई में यह चैलेंजिंग है, लेकिन दीपक प्रकाश का मानना है कि हम बिहार की मतलब धरती पे जन्मे हैं, बिहार के लोगों से मेरा संबंध है, तो बिहार के लोग UPSC की तैयारी कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करके हासिल करें, UPSC कैसे निकालें, इसके लिए काम करेंगे। बहरहाल इनका जो है कई सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जैसे 25 नवंबर को आपका जो है जहानाबाद में सेमिनार होना है, 27 नवंबर को गया में सेमिनार होना है, तो हम चाहेंगे कि आप जरूर एक बार दीपक प्रकाश की बात को सुनें, और अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार इंस्टीट्यूट भी जाकर देखें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।